हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th एनसीईआरटी का। इस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी है, द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्पेशली इफ यू आर गिविंग क्लास 12th एग्जाम्स, और अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को देखेंगे तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे रिटर्न क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एसवाई एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसा मैंने फ्रेंड्स हर चैप्टर में फॉलो करा है, बाकी आप मेरे लेक्चर्स देखें, तो मैं शुरू में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि पॉपुलेशन वाइज तो इंडिया की रैंक 2 है, ठीक है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया की रैंक क्या है बाय द साइज ऑफ एरिया। तो व्हाट इज इंडियाज रैंक बाय साइज, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, विच इज द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन, स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन। थर्ड चीज, सेम चीज है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि स्टेट हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है? तो आप मेरे को ये तीन चीजें बता के दीजिए कि इंडिया का साइज क्या है आउट ऑफ ऑल दी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, क्या साइज है? 8, 10, 9, टॉप 10 में ही है साइज। तो उसमें ही आप बताइए कि कौन सा साइज है इंडिया का बाय एरिया, और स्टेट बताइए जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन, स्टेट बताइए जिसकी लोएस्ट पॉपुलेशन है, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना लेक्चर डिस्कशन बिगिन करते हैं एनसीईआरटी का। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जो बात होगी वो अगली एनसीईआरटी में होगी, और पॉपुलेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, इसे बोला जाता है द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये आप यूज कर सकते हैं इन योर आंसर्स। आपका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? पॉपुलेशन की थोड़ा क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये नहीं है कि शुरू से शुरू हो जाए आपकी पॉपुलेशन के ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। थोड़ा ये लिखना जरूरी है कि पॉपुलेशन जो है वो रियल वेल्थ है कंट्री की। ह्यूमन कैपिटल वर्ड यूज करिए, ठीक है? सोशल कैपिटल वर्ड यूज करें। इट इज दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड मेक यूज ऑफ द कंट्रीज अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइडेड पॉलिसीज। अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल, ठीक है? तो ये जो है, ये जो चार पांच लाइनें दे रखी है यहाँ पर, इसको कहीं लिख लीजिए और इसको एसे में यूज कर सकते हो, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट आंसर में यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका हम आंसर पता करने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है वो किसी सर्टेन रीजन में क्यों रहते हैं, कहीं और क्यों नहीं रहते। अब आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गैंगेटिक रीजन की क्यों है इंडिया में, पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ज्यादा क्यों नहीं है, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। राजस्थान जो है वो इतना बड़ा स्टेट है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन जो है इतनी ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है वहां पर पॉपुलेशन? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए। हिमालय रीजन में आप जाएं, जैसे लेह लद्दाख आप कभी विजिट करें, तो आप देखेंगे कि आप लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और आपको लोग दिख ही नहीं रहे वहां पर, तो ऐसा क्यों है वहां पर? तो ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज दे रखी है जो आपको नोट करनी होगी कि एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, ठीक है? तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए कि कुछ कुछ प्लेसेस तो एशिया में ऐसी है जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं और साइज बहुत कम है, और कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे लोग है ही नहीं एशिया में। जैसे गोबी रीजन हो गया, गोबी डेजर्ट आपको पता होना चाहिए, मंगोलिया और चाइना के बीच में है। ऐसे ऐसी काफी जगह है जहाँ पर नहीं है, और आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान देखें तो पॉपुलेशन आप यहाँ की नोट करेंगे तो कुछ कुछ रीजन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा स्टैट दे रखा है जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, वो ये है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ द लैंड एरिया। देखिए कितनी सरप्राइज वाली बात है, ठीक है? तो देखिए, पहले तो हमारे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा ओशियन है, ठीक है, पानी है, तो वहां तो लोग रहते ही नहीं, पहले तो वो बात हो गई। लेकिन जो 90% लोग रह रहे हैं दुनिया में, वो 10% लैंड में ही रह रहे हैं, ये एक चीज है। तो यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज बताए गए हैं, आप देख सकते हैं चाइना नंबर 1, नंबर 2 इंडिया, मे बी इंडिया जो है वो इसे ओवरकम कर लेगा इवेंचुअली, कोई लोग कहते हैं 2024 में कर लेगा,
कोई कहते हैं 2040 पे कर लेगा, कोई कहता है 2050 में, और कुछ कुछ तो ये भी कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी कर चुका है, सही से मेजर नहीं कर रहा, अगर सही से मेजर करे तो इसकी पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है। तो ये चीजें चल रही हैं, और आप देखो तो फर्स्ट सेकंड में देखिए कितनी ज्यादा पॉपुलेशन, और थर्ड कंट्री यूएसए कितना पीछे है, बाकी कंट्रीज देखिए कितना पीछे है। थोड़ा सा नेबर्स का भी याद रखना कि देखिए पाकिस्तान की पॉपुलेशन 6 नंबर पर है और बांग्लादेश की 8 नंबर पर है। ये याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जस्टिफाई कर पाओ कि सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा होती है। इसलिए ये चीज अगर आप बता पाओगे अपने आंसर्स में तो अच्छा रहेगा, ठीक है, कि सब कॉन्टिनेंट जो है, सब कॉन्टिनेंट आई होप समझ सकते हो आप, सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश आते हैं, और उसमें आप कह सकते हो कि देखिए कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है इस रीजन की। टॉप 10 में 3 कंट्रीज तो यही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं और चीजें, एक वर्ड आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज आप याद रखें, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, मैं क्लियर कर रहा हूं बोर्ड को, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। ये जो क्लास 12th एग्जाम दे रहे हैं इनके 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है। पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है यूनिट अगर देखें तो पर्सन, और एरिया को किलोमीटर में, ठीक है, तो पर्सन पर किलोमीटर इसकी हो होती है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बताती है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, मतलब वहां पर जो है रिसोर्सिस की कमी होगी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रिसोर्सिस की शॉर्टेज होगी उस रीजन में, और अगर डेंसिटी कम है जैसे कनाडा हो गया, कनाडा लोग क्यों जाना चाहते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है वहाँ, तो रिसोर्सेज जो है वो सफिशियंट है। पॉइंट आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए टोटल रिसोर्सेज तो कनाडा में कम है लेकिन रिसोर्सेज पर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएंगे वहां पर, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो ये रीजन है। ऐसी आप देखिए तो अगर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, रहना मुश्किल हो जाता है, राइट, वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। और आप जनरली नोट करें तो गरीब लोग जो रहते हैं, जो पुअर पॉपुलेशन जो रहती है, वो एक स्मॉल एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे होते हैं। और आप नोट करें तो अमीर लोग, रिच लोग जो रह रहे होते हैं वो अलग एरिया में रह रहे होते हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब वापस हम अपनी एनसीईआरटी पे आते हैं और देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है। अब मेरा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन भी है, आप मेरे को वो वाली स्टेट बताओ इंडिया की जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो वाली स्टेट बताओ कौन सी है। तो गैंगेटिक रीजन में ही है वो वाली स्टेट, अब आप सोचिए वो कौन सी स्टेट हो सकती है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आ जाता है। उसके साथ साथ एक टेबल देख लेते हैं जो काफी अच्छी सी दे रखी है, रीजन वाइज डेंसिटी पॉपुलेशन दे रखी है। आप देखो तो एशिया अफ्रीका वगैरह की पॉपुलेशन आप देखो कितनी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया की है, उसके बाद पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे अफ्रीका की है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना कि सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है। आप इसमें कंफ्यूज मत करना कि नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका की आपको या यूरोप की ज्यादा लगे। काफी लोग कुछ अजीब सी बात सोचते हैं कि उनको लगता है कि यूरोप में बहुत ज्यादा कंट्रीज है तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वेयर एज आप देखें तो पॉपुलेशन पर डेंसिटी देखें तो आप देखिए तो 146 है एशिया की, ये भी सबसे ज्यादा वहां की है, ठीक है। तो डेंसिटी जो पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर आप अगर इसको नोट करें तो उसमें उसमें इसकी सबसे ज्यादा है। फ्रेंड्स मैंने एक चीज आपको बताई थी, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, मैंने आपको यूनिट जो बताई थी पर्सन पर किलोमीटर बताई थी, ये पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप, क्योंकि पॉपुलेशन आप देखो तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया होता है और एरिया की यूनिट जो होती है ये स्क्वायर किलोमीटर होती है, ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो किलोमीटर होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज पॉपुलेशन अपॉन एरिया, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, इट्स यूनिट इज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, पर्सन है, और एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब इस चीज पे हमने देख लिया, हम वापस आते हैं कि आपने आई होप ये वाला पॉपुलेशन डेंसिटी का चीज समझ ली होगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, जिसका आंसर आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा कि ओशियनिक जो लिखा है इसका मतलब क्या है। अब देखिए पॉपुलेशन यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब साफ है कि इसका ओशियनिक का मतलब ये तो नहीं है कि अंटार्कटिक है, ठीक है, इसका मतलब ना तो आर्कटिक है, इसका मतलब कुछ तो है ही पक्का, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है। अब आप मेरे को बताओ वो रीजन कौन सा है।
आप अगर थोड़ा सा ध्यान से नोट करोगे, जो यहाँ पर मिसिंग है वही ओशियनिक के अंदर आएगा। तो क्या क्या आता है ओशियनिक के अंदर, ये आप देखो, काफी बार ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। बाकी आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखो तो यूरोप की आप देखोगे 34 है, अमेरिका की देखोगे, नॉर्थ अमेरिका की देखोगे बड़ी सही है। तो आप नॉर्थ अमेरिका की यहाँ नोट करो फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका जिसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, थोड़ा सा मेक्सिको आता है और कौन सा आता है, यूएसए आता है, कनाडा आता है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 20 है। तो वहाँ पर अगर लोग शिफ्ट करेंगे तो कितना बढ़िया रहेगा, लोग थोड़े कम होंगे, रिसोर्सेज सफिशियंट है, अमीर कंट्री है, सब बढ़िया रहता है। इसलिए लोगों का एक रीजन है कि वो कनाडा में मूव करते हैं। ठीक है, इंडियंस आप देखो तो काफी ज्यादा पॉलिसी है जो मूव करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम वो फैक्टर समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को जो अफेक्ट करते हैं। पहला जो रीजन है, अब आप जब आंसर्स देखोगे तो आंसर्स में डायरेक्ट फैक्टर लिखना शुरू मत कर देना। आंसर्स को आप अपने सब पार्ट्स में डिवाइड करना। पहला सब पार्ट है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, उस ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब साफ सी बात है, जहाँ पानी होगा वहीं लाइफ होगी, पानी नहीं होगा वहां लाइफ नहीं होगी। लेकिन इस चीज का जो फैक्टर है थोड़ा सा कम हो गया है। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि पानी से दूर लोग रहते ही नहीं थे। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ एंशियंट टाइम्स की। तो एंशियंट टाइम्स में आप सिविलाइजेशन देखिए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमने डिस्कस करा है, आप लेक्चर देख सकते हैं। सारे के सारे लोग जो थे वो पानी के पास रह रहे थे, पैलियोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में, सब लोग पानी के पास रहते थे। ठीक है, आप देखो तो सारी की सारी सिविलाइजेशन जो है पुराने टाइम में, छोटे छोटे जो कल्चर्स थे वो तभी थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर में, फिर आप देखो तो वैदिक पीरियड जब आया तो वो सरस्वती रिवर और गंगा रिवर के पास रहते थे, राइट। ऐसे ही आप साउथ इंडिया में देखो तो आप देखोगे गोदावरी कृष्णा के पास रहते थे लोग। तो ये रीजन है। और अब भी आप देखो तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये वाटर जो है इसमें लिख के आना कि फ्रेश वाटर होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इज द करेक्ट वर्ड। आई होप फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर में आप डिफरेंस समझते ही होंगे। तो आप फ्रेश वाटर वर्ड जरूर लिख के आना इसमें। उसके बाद आप, यही रीजन है फ्रेंड्स कि गंगेटिक वैली में जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। पानी जो है वो बहुत चीजों के लिए जरूरत होता है, नहाने के लिए, धोने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, कैटल के लिए, क्रॉप्स के लिए, राइट। तो पहले रीजन ये हो गया। अब सेकेंड रीजन देखते हैं क्या है पॉपुलेशन ज्यादा होने का, वो है लैंड फॉर्म्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्लैट प्लेन्स होंगी, जेंटल स्लोप्स होंगी तो वहां पर रहना आसान होता है, क्योंकि देखिए वहां पे रोड्स बना सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, लाइफ इजी होती है। और माउंटेन रीजन, जैसे कैसे हो गए माउंटेन रीजन के, इसके एग्जांपल ले लद्दाख, ले लद्दाख ले ले, हिमालय रीजन ले ले, तो वहां पर देखिए सब चीजें टफ है, लाइफ टफ है, वहां पर मूवमेंट इतना टफ होता है, इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती, उसके बाद देखो तो क्रॉप सेटअप नहीं होंगी, उसके बाद कुछ ना कुछ पानी की कमी हो जाती है अगर पानी ना हो तो, राइट। जैसे आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ले लद्दाख जो रीजन है उसे भी डेजर्ट कहा जाता है। आई होप आपको पता होगा कि डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक चीज पता करें आप कि डेजर्ट आखिर होता क्या है। डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि वो गर्म रीजन हुआ, ठीक है, नॉट जस्ट हॉट रीजन। इसका मतलब क्या होता है डेजर्ट का, इसका आप मेरे को आंसर दें। ठीक है, जब आप आंसर दें तो इसको सोच के रखना कि ले लद्दाख जो रीजन है और जो गोबी डेजर्ट है ये भी डेजर्ट है, लेकिन ये हॉट रीजन नहीं है, तब भी इनको डेजर्ट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सोचना होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर रीजन दे रखे हैं कि गंगा रीजन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है और जो हिमालयन रीजन है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। इसका रीजन सिंपल है, इसका रीजन है कि लैंडफॉर्म्स। आई होप हमने लैंडफॉर्म्स क्लास 11 की एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़े होंगे। अब एक और रीजन आता है कि क्लाइमेट जो होता है वो भी इंपैक्ट करता है बहुत ज्यादा। क्लाइमेट जो होता है देखिए, अगर ज्यादा ठंडा है, ज्यादा गर्म है तो रहना मुश्किल है। अगर क्लाइमेट थोड़ा बढ़िया टाइप का है, वेदर अच्छा रह रहा है तो अच्छा रहेगा। इसलिए मेडिटेरेनियन रीजन, जो क्लाइमेट रीजन आपने श्योरली पढ़े होंगे 9th-10th क्लास की एनसीईआरटी में, थोड़ा सा 11th में भी दे रखा है। तो मेडिटेरेनियन रीजन जो यूरोप में होता है और जो चिली में भी होता है, जो अमेरिका के भी कुछ कुछ रीजन में होता है, जो साउथ अफ्रीका के भी कुछ कुछ रीजन में होता है, मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट कहा जाता है रहने के लिए। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन सी है, कहाँ पर है सी है, यूरोप में है, तो उसी से इसका नाम आया है। लेकिन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी होता है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। मेडिटेरेनियन सिर्फ ये मतलब क्या जाना कि यूरोप में होता है, ये अमेरिका में भी होता है, साउथ अमेरिका में भी होता है और एशिया में भी होता है। तो मेडिटेरेनियन जो है वो बेस्ट पीरियड कहा जाता है लिखने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्लेजेंट क्लाइमेट होता है। ठीक है, प्लेजेंट क्लाइमेट होता है। मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें,
और जब अपना आंसर लिख के आ रहे हो तो वहां पर भी लिख के आना, जैसे लिख के आना कि मेडिटेरेनियन रीजन एग्जाम्पल दिस दिस दिस, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, तो वो बात हो गई। ये हो गए ज्योग्राफिकल फैक्टर, और लार्ज ज्योग्राफिकल फैक्टर हम देखते हैं सॉइल। सॉइल हमने आपने पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, फर्टाइल सॉइल होगा तो वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, वहां पर लोग बस खाना पीना होगा और वहां पर आप इजीली रह पाओगे, और जहां पर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा वहां पर कम लोग रह पाएंगे, वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा। आपने अगर क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ कुछ रीजन हैं इंडिया में जहाँ पर सॉइल जो है वो अच्छा नहीं है, जैसे लेटराइट सॉइल हो गया, ठीक है, जैसे सलाइन सॉइल हो गया। तो ऐसे कौन कौन से रीजन हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जहाँ पर ऐसा सॉइल है और उसी की वजह से पॉपुलेशन इंडिया में कम है उन रीजन में, ठीक है। तो ज्यादा पॉपुलेशन तो ठीक है गैंगेटिक वैली में है, क्योंकि वहां पर सॉइल जो है वो अच्छा है। कौन सा सॉइल है वहां पर बताइए, वो कौन सा सॉइल है? क्या वो रेड सॉइल है? उस सॉइल को भी कुछ कहते हैं, वो उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा सॉइल है जिसकी वजह से लोग गैंगेटिक वैली में इतने ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर आता है मिनरल्स। मिनरल्स ज्यादा होंगे तो साफ सी बात है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पर लोग शिफ्ट हो जाएंगे। अगर लोग पहले से नहीं होंगे तो माइग्रेट कर जाएंगे इस रीजन में। जैसे मिनरल्स के इंडिया में एग्जाम्पल छोटा नागपुर रीजन है, ठीक है। और अगर आप और भी एग्जाम्पल इंटरनेशनल एग्जाम्पल याद करना चाहते हैं तो इसका है कटंगा, जैम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज ऑल्सो वन सच एग्जाम्पल। एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल याद कर लेना, एक इंडियन एग्जाम्पल। इंडियन एग्जाम्पल याद हो गया छोटा नागपुर रीजन, ठीक है। फिर हो गया अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, जैसे दिल्ली मुंबई हो गए, उसके बाद जापान हो, जापान में कौन सा हो गया, टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क सिटी हो गया। और इसमें तो मेरे को आपको शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है कि अर्बनाइजेशन में अर्बनाइजेशन जो है वो कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ पे एजुकेशन है, मेडिकल है और अच्छा है, मॉल्स वगैरह बने हुए, अच्छी रोड्स है, तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। हम इसको थोड़ा सा अच्छे से भी पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि सिटी लाइफ जो होती है काफी टैक्सिंग होती है, लेकिन तो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स बताइए आप जो अच्छे नहीं है सिटी लाइफ में। तो अब ये भी लोगों को रियलाइज हो रहा है, ठीक है, कि कुछ कुछ जो फैक्टर्स है सिटी लाइफ में वो अच्छे नहीं है, इसलिए वो सेमी अर्बन एरियाज पे मूव कर रहे हैं। एक और फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। फ्रेंड्स थोड़ा समझने की कोशिश करना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मिनरल तीनों अलग अलग चीजें होती है। मिनरल मतलब वहां पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, अर्बनाइजेशन मतलब वो सिटी है। अर्बनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हो, ठीक है। तो इंडिया में काफी सारे सिटीज हैं जो बने हुए हैं, सिटीज जो हम अभी नेक्स्ट एनसीईआरटी जो होगी ना उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। काफी सारे सिटीज हैं इंडिया में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर सिटीज एंड व्हाट आर सिटीज हम ये भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम यही फोकस कर रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज है तो इसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर साफ सी बात है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, ये रीजन होता है। और अगर वहां पर देखिए वर्कर्स मूव करेंगे तो वर्कर अगर वहां पे मूव करेंगे तो वहां पर डॉक्टर को भी मूव करना पड़ेगा, वहां पर उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए टीचर्स वगैरह आएंगे, वहां पर फिर बैंक्स खुलेंगे, वहां पर फिर उनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होगा तो रेस्टोरेंट खुलेंगे, होटल खुलेंगे, फिर ऐसे शॉपकीपर खुलेंगे, बाल काटने की दुकान, बार्बर की दुकान खुलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे इंडस्ट्री सेट करने से, एक इंडस्ट्री सेट करने से, एक रिलायंस की इंडस्ट्री सेट करी गुजरात में, तो उससे कितने सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। इन सब चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फ्रेंड्स। एक को बोला जाता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो जो मिल गई, ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो जो वर्कर्स वगैरह को मिल गई, और उसके साथ साथ ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना कि अगर कोई आपने कंपनी सेटअप करी तो उसके आसपास जो है काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। एक इंटरनेशनल एग्जांपल याद कर लेना, नाम थोड़ा सा टफ है, कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ कुछ रीजन में लोग इसलिए होते हैं ज्यादा, जैसे वहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, जैसे पूरी हो गया, ठीक है, पूरी PURI। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, जैसे पूरी हो गया, और भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स, हरिद्वार हो गया। हरिद्वार में तो वैसे अब इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई है काफी सारी, के बाद आप देखे तो कल वाराणसी हो गया, रामेश्वरम हो गया, महाबलीपुरम हो गया,
यहाँ पर लोग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं, और ठीक है जितने एग्जाम्पल्स आपको याद हो, अगर आपकी अपनी स्टेट का एग्जाम्पल दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर जो चेक कर रहे होते हैं जनरली वो आपकी स्टेट वाले ही होते हैं। अगर आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो अपनी स्टेट का एग्जाम्पल दें तो उसमें अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रीजन ये हो गए, तो आपको आई होप एग्जाम्पल भी याद होंगे। हमेशा फ्रेंड याद रखना, जब भी आप फैक्टर लिखो तो साथ में एग्जाम्पल लिख के आना, अगर एग्जाम्पल नहीं लिख रहे तो आपका मार्क्स कटेगा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, और मैं तो सजेस्ट करूंगा एक इंडियन एग्जाम्पल और एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल दें। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें दे रखी है जो वन मार्कर और एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। का मतलब सिंपल है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ये 2001 है, 2011 है, यहाँ पर पॉपुलेशन थी 100 करोड़, अब पॉपुलेशन हो गई 110 करोड़। तो ये जो चेंज हुआ ये 10 करोड़ का, उसको ग्रोथ बोला जाता है। और ग्रोथ परसेंटेज कितना हुआ, इतना कि आपका 10% ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, 10% ग्रोथ हो रहा है और चेंज हो रहा है। अगर हम इस फिगर को अगर 110 की जगह 112 ले लेते, मतलब आप समझ रहे हो ना कि उसी हिसाब से आपका आंसर चेंज रहेगा, 112 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिनोमिनेटर में कौन सा आता है, डिनोमिनेटर वो आता है जो पुरानी पॉपुलेशन होती है ये वाली। ठीक है, क्योंकि उससे इंक्रीज हुआ है तो उससे कंपेयर किया जाता है। आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो रही होगी। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है जो काफी लोग पूछ ली जाती है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है मतलब नंबर में। ठीक है, नंबर में 10 करोड़, ग्रोथ रेट, रेट वर्ड जो लिखा है इसका मतलब परसेंटेज में बताओ। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए नेचुरल ग्रोथ का मतलब है कि पॉपुलेशन का इंक्रीज और डिक्रीज होना जन्म और मरने की वजह से। ठीक है, डेथ और बर्थ की वजह से, इसको नेचुरल बोला जाता है। यहाँ पर याद रखना कि माइग्रेशन वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये नेचुरल है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है फ्रेंड, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बच्चे पैदा हुए, दिल्ली में लोग मरे, तो इसमें नेचुरल ग्रोथ आ गया। ठीक है, लेकिन दिल्ली में उत्तर प्रदेश से लोग आए, बिहार से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, तो वो जो होगा वो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बताएगा। इसमें क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन मतलब होता है जो लोग बाहर से आए, आउट माइग्रेशन मतलब दिल्ली से बाहर गए। आप नोट कर सकते हो कि सिटीज में इन माइग्रेशन ज्यादा होता है, आउट माइग्रेशन कम होता है। ठीक है, और जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें इन माइग्रेशन बहुत कम होता है, आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इसका मतलब है कि बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है डेथ रेट से। ठीक है, सिंपल सी बात है। और सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि माइग्रेट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन, तो भी पॉपुलेशन पॉजिटिव हो सकती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे अर्बन सिटीज का। और नेगेटिव ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन कम होना, इसके रीजन दो हो सकते हैं कि आपकी डेथ रेट बहुत ज्यादा है, या सेकेंड रीजन रीजन ये हो सकता है कि आपके लोग जो है वो माइग्रेट कर जा रहे हैं दूसरे रीजन से। ठीक है, आई होप ये वाले पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। और कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज डिस्कस करेंगे, जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं, बर्थ डेथ और माइग्रेशन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000। ठीक है, याद रखना ये वर्ड, नंबर ऑफ लाइव बर्थ होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई मर गया तो उसको भी आपने इंक्लूड कर दिया, कोई बच्चा अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, पर 1000, पर लैख नहीं, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं बर्थ रेट। तो इसको बी आई अपॉन पी इंटू 100, तो सी बी आर जो क्रूड बर्थ रेट ये होता है, बी आई मतलब लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एंड पी में मिड ईयर पॉपुलेशन ली जाती है उस रीजन की। ठीक है, मिड ईयर में मतलब एवरेज निकालने के लिए ली जाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। क्रूड डेथ रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट का आप समझ ही सकते हो, इसका मतलब होगा मॉर्टेलिटी बताना। इसका आप देखोगे तो CDR is expressed in terms of the number of deaths in a particular year per 1000 of population in a particular region, per 1000 of population in a particular region, simple सी definition है। तो इसको आपने 1000 से multiply कर दिया, D by P हो गया, तो बस हो गई population कितनी है, तो 1000 से multiply कर दिया, क्योंकि per 1000 बोल रहा है इसलिए 1000 से multiply कर रहे हैं, 100 से नहीं कर रहे। ठीक है, आई होप आपको ये अलग पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। और ये मिड ईयर की पॉपुलेशन की ले रहे हैं एवरेज निकालने के लिए।
आप देख सकते हो कि बाय एंड लार्ज मॉर्टेलिटी रेट्स आर अफेक्टेड बाय द रीजन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहाँ जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा आपका मॉर्टेलिटी रेट जो होगा वो कम होगा। अब माइग्रेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो माइग्रेशन में अब हम अगर देखें तो कुछ कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे इन माइग्रेशन, इन माइग्रेशन का मतलब होता है कि माइग्रेंट्स हो मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इन माइग्रेंट्स। मतलब आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में अगर कोई आया बाहर से तो उनको इन माइग्रेंट्स कहा जाएगा। और इमिग्रेशन किने कहा जाएगा, इमिग्रेशन का मतलब है जो माइग्रेंट्स हमारे दिल्ली से कहीं और गए। ऐसे अगर आप मुंबई के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो इन माइग्रेंट्स का मतलब है जो मुंबई में लोग आए, और इन माइग्रेंट्स का मतलब है जो मुंबई से लोग गए। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये प्लेस के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, प्लेस के रिस्पेक्ट में होता है। आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो इंडिया में जो है और इंडिया से जो गए। जब भी माइग्रेशन पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीजों को आप ध्यान रखो, ऐसे पढ़ो, आप इसको ऐसा चार्ट बना लो अपने नोटबुक में जिससे आपको हमेशा याद रहे। माइग्रेशन का जो होता है पुश और पुल फैक्टर्स ये मैं डिस्कस करूंगा, पुश और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक यही है। फिर आप इसमें पढ़ो कि इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन एम लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑन सोर्स रीजन, सोर्स मतलब जहां से लोग आए, ठीक है, और इंपैक्ट ऑन डेस्टिनेशन। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन डेस्टिनेशन मतलब अगर लोग किसी जगह से, जैसे आप एग्जांपल ले लो बुलंदशहर से, इंडिया के उत्तर प्रदेश के, बुलंदशहर की स्पेलिंग थोड़ी खतरनाक होती है बट कोई बात नहीं, दिल्ली आए तो इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन बुलंदशहर पढ़ना, इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन दिल्ली पढ़ना, और इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन यूपी पढ़ना, इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन यूपी, इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन दिल्ली। ठीक है, और यहां पर आप नेशनल लेवल पे पढ़ना माइग्रेशन का इंपैक्ट, नेशनल लेवल पर माइग्रेशन का इंपैक्ट पढ़ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो थोड़ा कम दे रखा है लेकिन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ऐसे सोचना होगा कि पॉलिटिक्स को क्या इंपैक्ट करता है ये, इकोनॉमिक को कैसे इंपैक्ट करता है, ठीक है, सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करता है, ये चीजें समझनी होंगी। पुश फैक्टर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग बुलंदशहर से दिल्ली आए, बुलंदशहर में कमी क्या थी कि जिसने पुश करा लोगों को दिल्ली में आने के लिए। ठीक है, तो ये पुश फैक्टर्स हो गए। तो पुश फैक्टर्स जनरली सोर्स से एसोसिएटेड होते हैं, जो सोर्स होता है ये। पुल फैक्टर्स का मतलब ये है कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो दिल्ली चले गए। तो पुल फैक्टर्स डेस्टिनेशन से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे दिल्ली में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसने पुल करा लोगों को, वहां पर कास्टिज्म कम है दिल्ली में तो इसलिए इसने पुल करा। अब पुश फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पुश फैक्टर्स ये हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है बुलंदशहर में, ये पॉइंट्स हो सकते हैं। साथ साथ आप फ्रेंड्स अच्छे से थोड़ा इसको पढ़ना, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी में इंपैक्ट, ये इस बुक के बाहर है तो मैं ज्यादा इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट होता है। फ्रेंड्स जैसे आप देखो कि बुलंदशहर के लोग अगर दिल्ली में जा रहे हैं तो आप ये पॉइंट समझो कि हमारी जो वो होती है पॉलिटिक्स जैसे चलती है, जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो ये है कि दिल्ली की जो सीट्स होंगी वो बढ़ जाएंगी इन दी पार्लियामेंट। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए हमारी जो सीट्स डिवाइडेड है पार्लियामेंट में वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, ऑन द बेस, ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह की हर स्टेट को इक्वल नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसको ज्यादा सीट्स दे रखी है। इसी का रीजन है कि 80 सीट्स लोकसभा की उत्तर प्रदेश से आती हैं। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में आप समझ सकते हैं इंपैक्ट। इसी से इंपैक्ट क्या होगा, इसी से इंपैक्ट होगा फाइनेंस कमीशन पे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन वो होती है जो सेंटर का पैसा स्टेट्स को देती है। तो इसका वन ऑफ द फैक्टर्स क्या होता है पैसा देने का, वो होता है पॉपुलेशन। तो अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, और किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसको पैसा कम मिलेगा। तो इसके इंपैक्ट ये सब है पॉलिटिक्स के। इसके साथ साथ आप समझ सकते हो कि फोकस गवर्नमेंट का वही होगा जहां पर वोट ज्यादा होंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, कल वैसे अभी तो नहीं हो रही लेकिन इमेजिन कर लेते हैं कम हो रही है, जैसे उत्तराखंड है ना उसकी कम हो रही है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्तराखंड जो, उसका रियल एग्जांपल है कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है, तमिलनाडु की कम होती जा रही है।
तो एनीवेज उसमें हम बस आप ये समझिए कि अगर लोग माइग्रेट करेंगे तो जहां पर ज्यादा लोग होंगे पॉलिटिक्स जो होगी जो पॉलिटिशियंस जो का होगा फोकस वहीं पर ज्यादा होगा। फिर आप साथ साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी का आप समझ सकते हो। देखिए जो लोग मूव करते हैं जनरली ठीक है वो जो यंग पॉपुलेशन होती है वो मूव करती है। तो यंग पॉपुलेशन जो होती है वो पढ़ी लिखी होती है वो ब्राइट होती है वो स्ट्रांग होती है वही डेवलपमेंट करेगी। तो वो जब मूव कर जाती है दूसरे रीजन में तो जिस रीजन में वो जाती है वहां पर वो डेवलपमेंट करती है। मतलब तो दिल्ली का डेवलपमेंट होगा बुलंदशहर का डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि सारी जो यंग पॉपुलेशन है वो चली गई ठीक है। और आप देख सकते हो कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होता है। सोसाइटी में ये इम्पैक्ट होता है कि दिल्ली में डाइवर्स लोग रहेंगे फिर क्योंकि अलग अलग जगह इस रीजन से लोग आ रहे हैं ठीक है। बुलंदशहर में जो होंगे एक टाइप के लोग होंगे। इसके साथ साथ सेक्स रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सेक्स रेशियो कैसे चेंज रहेगा ज्यादातर देखिए मेल पॉपुलेशन मूव करती है। मेल पॉपुलेशन मूव करती है ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में जो होंगे मेल ज्यादा हो जाएंगे और बुलंदशहर में मेल जो होंगे वो कम हो जाएंगे। आई होप आपको एक क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं तो मैंने आपको थोड़े से मेन बताए पॉलिटिक्स इकोनॉमिक सोसाइटी में। फिर और भी पॉइंट्स आते हैं और भी कास्टिज्म का भी पॉइंट आता है थोड़ा रिलीजियस एंगल भी आता है। फिर आप नेशनल लेवल पे आप थोड़ा सा पढ़ो तो सन ऑफ सॉइल मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। सुना होगा ना आपने हरियाणा में हुआ महाराष्ट्र में हुआ। मैंने ये अच्छे से डिस्कस करा है सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट इन द टॉपिक ऑफ रीजनलिज्म इन इन द एनसीईआरटी ऑफ सोशलिज्म। तो आप वो एनसीईआरटी चेक कर सकते हो। तो उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस करा है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप अपना एक चार्ट बनाए दो तीन पेजों का ऐसे बड़ा सा बनाए अपने रजिस्टर में वाइट 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 पेजों का बड़ा सा रजिस्टर ले लो और इसको रखो काफी टाइम तक जब तक आपके कोई एग्जाम वगैरह खत्म नहीं हो जाते या कुछ क्लियर नहीं हो जाता या कुछ मतलब ठीक है इसको रखो ठीक है। बड़ा सा चार्ट भी बना के कहीं चुपका भी सकते हो। अपना खुद चार्ट बनाना ठीक है। अपना नोट्स बनाने का फर्क अलग होता है हमेशा याद रखना। आपके अगर नोट्स स्ट्रांग हैं तो आपकी सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप किसी और के नोट से ये सब पढ़ रहे हो तो उसमें इतना मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता। अब बात यह है कि अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए और एक बार उसको नजर मार ली ना तो एग्जाम में आप वही जल्दी जल्दी लिख के आओगे और जल्दी जल्दी जो लिख के आता है कम टाइम में और बिल्कुल टू द पॉइंट लिख के आता है उसी के मार्क्स आते हैं ठीक है। तो हमेशा ये तो कॉमन चीज है टॉपर्स की कि उनके नोट्स बने होते हैं बढ़िया से ठीक है। फ्रेंड हम बाकी में वापिस आते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के फैक्टर्स दे रखे हैं। पुश फैक्टर्स मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट पुअर लिविंग कंडीशंस पॉलिटिकल टर्मोइल अनप्लेजेंट क्लाइमेट नेचुरल डिजास्टर्स एपिडेमिक्स सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो ये सब रीजंस होते हैं जिससे लोग मूव कर जाते हैं किसी एक रीजन से दूसरे रीजन में। जैसे लेह लद्दाख है तो वो 6 महीने के लिए बंदी हो जाते हैं जब वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है वो प्रिफर करेगी मैं कहीं और ही चले जाके कुछ अच्छे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कर लूँ कुछ और कर लूँ राइट। पढ़ने लिखने के लिए वहाँ पे ज्यादा नहीं हो पाता। उसके साथ साथ आप देख सकते हो पुअर लिविंग कंडीशन काफी सारे गाँव के रीजन में होती है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। तो ये सब रीजन होते हैं जो पुश फैक्टर्स होते हैं ठीक है। पुल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं भाई। पुल फैक्टर्स होते हैं डेस्टिनेशन के होते हैं मैंने आपको बताया था। पुश फैक्टर्स किसके होते हैं सोर्स के होते हैं या ओरिजिन के होते हैं। पुल फैक्टर्स जो होते हैं वो डेस्टिनेशन के होते हैं। इसमें क्या क्या आता है भाई पुल फैक्टर्स में फ्रेंड्स एक सेकेंड ये आगे निकल गया। पुल फैक्टर्स में आता है विच मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सी मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजंस लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। उसके साथ साथ और क्या क्या है लिविंग कंडीशन अच्छी है पीस स्टेबिलिटी है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है प्रॉपर्टी प्लेजेंट क्लाइमेट कंडीशन। उसके बाद साथ साथ आप लिख सकते हो कि कास्टिज्म कम है रीजनलिज्म कम कम्युनलिज्म कम है ठीक है। ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं ठीक है क्योंकि शहरों वगैरह में कास्टिज्म वगैरह थोड़ा कम होता है। ये जैसे गांव में आप एग्जांपल लिख सकते हो एक कुएं से आप पानी नहीं निकाल सकते गांव में काफी जगह होता है। लेकिन शहरों में तो आप एक ही मेट्रो में घूमो कोई किसी की कास्ट पूछ ले ना रहे ठीक है। ट्रेंड्स देख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में ट्रेंड्स तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना। शुरू में तो देखिए पॉपुलेशन दुनिया की बड़ी ही नहीं जैसे फर्स्ट एडी में पॉपुलेशन जो थी वो 300 मिलियन ही थी। 1 मिलियन में 10 लाख होता है ठीक है। तो ये कितना हो गया तो आप थोड़ा बताइए ये कितना हो गया। अगर 1 मिलियन में 10 लाख है तो कितना हो गया ये तो आप देख सकते हो 30 करोड़ हो गया ठीक है। तो अराउंड आप देखो तो कितनी कम पॉपुलेशन थी कि सिर्फ आप अगर हम इसको देखें इसको मैं बोर्ड को रब कर दे रहा हूँ आई होप आपने अपनी ड्राइंग में भी बना लिया होगा। तो सिर्फ 300 मिलियन पॉपुलेशन थी ये 180 की बात हो रही है। और 1 मिलियन में कितना आता है 10 लैक्स ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 30 करोड़ हो गया। 30 करोड़ पॉपुलेशन थी 180 में और अब जो पॉपुलेशन है हमारी वो 7.8 बिलियन के करीब है मतलब 780 करोड़ के करीब।
ठीक है, तो ये 2020 की बात हो रही है, अराउंड इतनी पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 7.8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है आज दुनिया की, और उस टाइम में आप देखो तो 300 मिलियन की पॉपुलेशन। आई होप मैंने कन्वर्जन में कोई गलती ना करी हो, अगर मैंने कोई गलती करी है तो कमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना। आई एम श्योर की 300 मिलियन 10 लाख, हाँ 30 करोड़, 7.8 बिलियन पॉपुलेशन आती है, इसका मतलब होता है 700 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन 1.25 बिलियन है 2011 के सेंसस के हिसाब से, इसको 125 करोड़ भी बोला जाता है, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। 2021 का सेंसस होगा तो पता चलेगा, अभी तो सेंसस कोरोना वायरस की वजह से रुक गया है, वरना 1 अप्रैल से शुरू होना था सेंसस। तो आप एक चीज नोट करो, तो ये चीज आप जरूर नोट कर देना, पॉइंट लिख देना कि 1750 में एक घटना हुई थी जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला जाता है, और उसके बाद से पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से ग्रो करी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव सो फार हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द बर्थ रेट एंड प्रोवाइडेड अ स्टेज फॉर एक्सेलरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो थोड़ा सा आप देखो तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बर्थ रेट भी थोड़े कम हो गए, पहले तो डेथ रेट कम होता है फिर बर्थ रेट कम होता है। तो यहाँ पर आप एक बहुत अच्छे चार्ट दे रखा है, अच्छे से आप इसको थोड़ा सा नोट करना। यहाँ पर देखिए 1200 साल पुराने की बात, बर्थ ऑफ क्राइस्ट दे रखा है, तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा था। इसके बाद आप देखो तो एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन कोलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट यहाँ पर शुरू हुआ, देखिए 1750 में, तब से लेके यहाँ तक ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। यहाँ देखिए 0.25 बिलियन पॉपुलेशन है बस, यहाँ पर 0.5 बिलियन पॉपुलेशन है, देखिए कितनी कम पॉपुलेशन थी। और अब देखिए कि सडनली पता नहीं क्या हो गया है, इतनी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, फिर सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, इससे देखिए डेथ रेट कम हुआ, ठीक है, और बर्थ रेट भी, मतलब डेथ रेट बर्थ के टाइम भी कम हुए और इवेंचुअली डेथ रेट तो कम हुए ही हुए, मतलब आपकी ज्यादा टाइम तक लोग जिंदा रहने लगे, और साथ साथ बच्चे मरने कम लगे, पहले बच्चे बहुत मरते थे। बायोटेक्नोलॉजी में और फायदे हुए, फिर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स का हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स ने हेल्प करा बायोटेक फील्ड में भी। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन 1750 से लेके प्रेजेंट, ये चीज जो दे रखी है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो हुए हैं उन्होंने दुनिया बदल दी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है देखिए अब बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ इयर्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन टू इंक्रीज बाय 1 बिलियन। तो पहले तो देखिए आप 1830 में 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है, 1830 में 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, और 2 बिलियन जो हुई 1930 में हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़, ठीक है, और 2 बिलियन का मतलब है 200 करोड़। तो आप देखिए 7 बिलियन जो पॉपुलेशन है 2011 में हो गई, सिर्फ 12 साल लगे 5 बिलियन से 6 बिलियन जाने में, फिर 12 साल ही लगे 6 बिलियन से 7 बिलियन आने में, और अब 8 बिलियन होने वाली है 2020, तो आई गया 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है आजकल, और मेरे को लग रहा है कि 2023 से पहले ही हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है, वो तो जब स्टेट आएंगे तब पता चलेंगे, अभी कोरोना वायरस से काफी डेथ भी हो गई है। तो ये चीज है, आई होप आपको ये चार्ट क्लियर हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा बना लो अपने में, और इसको अगर एग्जाम में भी बना सकते हो कुछ छोटा मोटा सा इसका, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। चार्ट जो होते हैं उसको पढ़ के मार्क्स बड़े ज्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं कि 10,000 BC पहले 5 मिलियन पॉपुलेशन थी, फिर अब देखिए कितनी तेज बढ़ रही है पॉपुलेशन, ठीक है, वही चीज बताई गई, टाइम इन विच पॉपुलेशन डबल्स, पहले तो 1500 ईयर में पॉपुलेशन डबल हुई, फिर 154 ईयर में, फिर 123 ईयर में, फिर 47 ईयर में, फिर 51 ईयर में, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेज बढ़ रही है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो देखिए स्टीम इंजन जो है उसने रिप्लेस करा एनिमल और ह्यूमन एनर्जी का, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड मैकेनाइज्ड एनर्जी फॉर ऑफ वाटर एंड विंड, दिस इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इससे चीज ये हुई कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को संभालने के लिए रिसोर्सेज भी पैदा हुए, ठीक है, inoculation against epidemics and other communicable diseases, improvement in medical facilities and sanitation contributed to a rapid decline in death rates throughout the world, ठीक है, तो death rate भी decline हुए और birth rate भी decline हुए। अब ये almost chapter खत्म ही होने वाला है, जल्दी जल्दी इसे हम पढ़ लेते हैं। Human population देखिए increase more than 10 times in the past 500 साल, in the 20th century itself the population has increased 4 times, तो इन सब stats को ना आप use कर सकते हो exam में, ठीक है, इन stats को note down करके रख लो, एक पेज बना लिया करो जहाँ पर आप सिर्फ स्टैट्स हो कि ये सिर्फ ज्योग्राफी के स्टैट हैं, ये सिर्फ इकोनॉमी के स्टैट हैं, ये सिर्फ सोसाइटी के स्टैट्स हैं, उस स्टैट को बार बार एग्जाम से पहले पढ़ लो और लिख के आ जाए करो। तो देखिए डबलिंग ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये भी स्टैट बहुत बढ़िया है, इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 बिलियन मार्क, बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन, ये हमने अभी देखा भी था। उसके साथ साथ अगर आप कुछ और चीजें देखो
कि जो स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज जो है वो अलग अलग है, मतलब सब रीजन में पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग हो रही है। जो कंट्रीज डेवलप्ड है ज्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी कम होती है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, इसको एग्जाम्पल में लिख के आना कि देर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ बहुत जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी स्लो स्लो चलती है, जैसे एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्रीज, जैसे एग्जाम्पल जापान। लेकिन जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी, जैसे इंडिया। और इंडिया में भी आप रीजन अगर देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। क्यों? वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता तो लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उसके साथ साथ वुमेन जॉब नहीं कर रही होती, तो ये रीजन होते हैं। और भी रीजन ये होते हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह में होते हैं, इसको अभी हम देखेंगे, तो मैं अभी इसमें डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर देखें तो आपकी ग्रोथ रेट, आप देखो तो ग्रोथ रेट ठीक है, कम हो रहा है दुनिया में। पहले 1.6 से ग्रो कर रही थी पॉपुलेशन, अब 1.2 से कर रही है वर्ल्ड में। अफ्रीका में पहले 2.4 से कर रही थी, अफ्रीका में बढ़ रही है देखिए पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए अफ्रीका जो है वो फोकस बनता जा रहा है पूरी दुनिया का, काफी कंपनीज वहां पर सेटअप हो रही है। लेकिन बाकी सब जगह देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कम होता जा रहा है। लेकिन आप एक पॉइंट समझिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी कोई कम, मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने से, ग्रोथ रेट कम होने से पॉपुलेशन कम हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा अगर समझाऊं, इसको मैं अगर थोड़ा सा समझाऊं तो बात ये है कि आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ अगर हो गई है तो इसका 1% भी बहुत ज्यादा होता है, इसका 0.5% ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होता है। तो आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि ग्रोथ रेट भले ही कम होता जा रहा हो, 1% से 0.5 हो गया हो, लेकिन आपकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है थोड़ा, ये याद रखना। और देखिए यहाँ पर ओशियनिक का मतलब बताया गया, ओशियनिक के अंदर क्या क्या आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी। ऐसे छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखो और फिर बढ़िया मार्क्स आएंगे। अब देखते हैं इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ये जरूरी है, ठीक है। थोड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत जरूरी है, इसी के लिए तमिलनाडु वगैरह जो स्टेट्स हैं वो थोड़े केयरफुल हो गए हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लेड्स टू प्रॉब्लम। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि रिसोर्सेज आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज 1.6.4%। Some developed countries will take 318 years to double their population, where some other countries do not show symptoms of doubling their population. तो यहाँ पर demographic transition की कुछ चीजें बताइए, इसकी कुछ theory है। इसका मतलब ये है कि देखिए friends, कि the theory tells us that the population of any region changes from high births and high deaths to low births and low deaths as society progresses from rural agrarian and illiterate to urban industrial literary society. तो आपकी जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज हो जाती है वैसे वैसे आपके बर्थ रेट, डेथ रेट चेंज होते रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए आपको दे रखा है, तीन स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट स्टेज वो होती है जहाँ पे आपकी हाई फर्टिलिटी होती है और हाई मॉर्टेलिटी होती है, मतलब आपका डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा है? बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर दी डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। तो देखिए अगर आपकी बहुत ज्यादा, अगर डेथ रेट बहुत ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे अगर हम 5 बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें से 2 तो मर ही जाएंगे, तो हमारे 3 रह जाएंगे, इसलिए कम से कम 5 बच्चे पैदा करते हैं, तो ऐसा वो सोचते हैं। उसके साथ साथ ये भी होता है फ्रेंड्स कि जो अनडेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं, जो डेवलप्ड हो रही होती हैं, वो एग्रीकल्चर में ज्यादा काम कर रही होती है, और एग्रीकल्चर में जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन सोसाइटीज में ज्यादा होता नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा हाथ चाहिए होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा हैंड्स चाहिए होते हैं जो एग्रीकल्चर में काम कर पाए, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो। क्यों लो है? क्योंकि डेथ रेट ज्यादा है तो लोग जल्दी मर जाते हैं। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 200 years ago, all the countries of the world were in the same stage. तो 200 साल पहले सब ऐसी स्टेज में थे। तो आप या तो देख लेना, ये एग्जाम्पल थोड़े से दे रखे हैं, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। देखिए शुरू में बर्थ रेट, डेथ रेट जरूरी दोनों ज्यादा है, फिर देखिए आप देखिए तो डेथ रेट कम होता जा रहा है, बर्थ रेट ज्यादा है, फिर इवेंचुअली आप नोटिस करेंगे कि बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों कम हो गए। ये स्टेज 3 ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसको आप देखो, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। अभी हमने स्टेज 1 पढ़ा। स्टेज 1 में अभी कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट टाइप। फिर यहाँ पर स्टेज 2 में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, पेरू, श्रीलंका, केन्या। स्टेज 3 में कनाडा, जापान, यूएसए जो डेवलप कंट्रीज है वो आ रहे हैं। ये टाइमलाइन है। और ये यहाँ पर आप देखो CBR अपॉन CDR है, रूट बर्थ रेट अपॉन रूट डेथ रेट, जो हमने समझा था। अब स्टेज तो फर्टिलिटी में स्टेज 2 को अब देख लेते हैं। फर्टिलिटी रेट हाई रहती है, मतलब इसमें बर्थ रेट बहुत ज्यादा है अभी भी, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज अभी बहुत ज्यादा है, बट इवेंचुअली जो ये बर्थ रेट होगा वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। दिस इज अकंपनाइड बाय रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट
improvement in sanitation and health condition led to decline in the mortality. Because of this gap, the net addition to population is high. So यहाँ पे population बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है stage two में. क्यों? क्योंकि देखिए आपका death rate जो है वो कम होता जा रहा है और शुरू में birth rate still बहुत ज़्यादा है. और eventually आपका देखेंगे तो birth rate धीरे 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 जाके कम होता है. और जब आपका birth rate death rate दोनों कम हो जाते हैं तो आप stage three में आ जाते हो, जो development की stage है. इसमें both fertility and mortality decline considerably. The population is either stable or grows very slowly. जैसे जापान, USA. Population becomes urbanized and literate and has high technical know-how and deliberately controls the family size. तो जानबूझ के लोग family size control करते हैं, वो थोड़े population measures लेते हैं, मतलब population control measures लेते हैं. काफी लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते, काफी लोग अपनी life से खुश होते हैं. Women जो होती हैं वो working होती हैं, तो वो एक ही बच्चा पैदा करना चाहती हैं. ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं. आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे. पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेना बहुत जरूरी है. यहाँ पे थॉमस माल्थस की थ्योरी दे रखी है जो हमने सोशियोलॉजी में पढ़ी थी कि नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, और फूड सप्लाई ग्रो करती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से. इसलिए जरूरी है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल को चेक करें. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल खुद होगा. वो कैसे होगा? फेमाइन आ जाएगा या डिजीज फैल जाएगी या वॉर हो जाएगा. डिजीज फैल रही है, कोरोना वायरस अभी फैल रहा है, इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो. क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, अगर तो पॉपुलेशन चेक में नहीं रखोगे तो ऐसे ही रहेगा. आप अगर नोटिस करो तो न्यूजीलैंड जैसा कंट्री जहाँ पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल में है वहाँ कोरोना वायरस ज्यादा नहीं फैलता. प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन दी फिजिकल चेक्स. इसको आप लिख कर आना, प्रिवेंटिव चेक्स बेटर है पॉपुलेशन में कंट्रोल करने के लिए. अदरवाइज फिजिकल चेक्स होंगे. फिजिकल चेक्स का मतलब है फेमाइन, डिजीज और वॉर. फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज. ठीक है, ये चीजें थी. और यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको अटेम्प्ट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उन आंसर्स को रिव्यू करूंगा. तो फ्रेंड्स, ये था एवरीथिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन इकोनॉमी और फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 3. और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो एसआई एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.